मिथुन चक्रवर्ती के साथ कुछ फिल्में बनाने के बाद निर्माता निर्देशक राजीव बब्बर के हाथ में जब चांडाल फिल्म की एक बेहतरीन स्क्रिप्ट हाथ लगी तो राजीव बब्बर साहब ने इस फिल्म को चांडाल को सनी देओल के साथ बनाने का प्लान कर लिया और पहुंच गए सनी देओल के पास। सनी देओल ने स्क्रिप्ट सुनी, सनी देओल को भी ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और सनी देओल साहब ने भी इस फिल्म में काम करने की मंजूरी दे दी। राजीव बब्बर ने काम धाम आगे बढ़ाया, उनकी प्रोग्रेस लगातार बढ़ती जा रही थी, पैसा खर्च होता जा रहा था। राजीव बब्बर ने सनी देओल के अपोजिट हीरोइन विलेन सबको साइन करना शुरू कर दिया था, स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो गई थी। पहले जब सनी देओल को सुनाया था तो सिर्फ आइडिया सुनाया था, बाकी फाइनल स्क्रीन पर डायलॉग भी हो गए थे, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। सनी देओल भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे, राजीव बब्बर भी इस फिल्म को बनाना चाहते थे सनी देओल के साथ, लेकिन ये फिल्म क्यों नहीं बन पाई? इसका कारण है कि सनी देओल उन दिनों बहुत बिजी थे। सनी देओल खुद एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे दिल लगी, जिसमें उनका बहुत सारा वक्त जा रहा था और राजीव बब्बर चाहते थे कि ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो और जल्द से जल्द में रिलीज करो, और सनी देओल राजीव बब्बर के हिसाब से उन्हें डेट नहीं दे पा रहे। हालांकि काम करना चाहते थे सनी देओल चांडाल फिल्म में, लेकिन प्रॉब्लम आ रही। ऐसे में राजीव बब्बर साहब को लगा कि शायद मैं ये फिल्म सनी देओल के साथ नहीं बना पाऊंगा, अगर मैंने ये फिल्म बनाई तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, सालों भी लग सकते हैं या नहीं भी बन सकते। सिचुएशन ऐसी आ गई कि राजीव बब्बर बहुत परेशान से हो कि वो करे तो करे क्या, सनी देओल के साथ फिल्म बनानी है लेकिन सनी देओल से आप वक्त नहीं दे रहे। इसी परेशानी में बहुत ज्यादा उलझ गए और उन्होंने डिसीजन लिया कि ये फिल्म तो मैं बनाऊंगा चांडा, सनी देओल के साथ नहीं तो किसी और के साथ, और वो जा पहुंचे अपने परमानेंट हीरो मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को चांडाल फिल्म के लिए साइन कर लिया और मिथुन चक्रवर्ती ने सिर्फ 6 महीने में इस फिल्म को कंप्लीट करके रिलीज करवा दिया। अगर ये फिल्म चांडाल, जिसमें आपने मिथुन चक्रवर्ती को देखा, ये चांडाल का रोल सनी देओल निभाते तो उसका पोस्टर कुछ इस तरह होगा। खैर, ये फिल्म सनी देओल के साथ नहीं बनी राजीव बब्बर की चांडाल, ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के साथ। और इस फिल्म के किरदार को और गेटअप को देखकर मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ भी बहुत है, लेकिन अगर सनी देओल होती इस फिल्म में तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म और ज्यादा चलती या ऐसे ही चलती या फ्लॉप हो जाती? जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई पोस्टर दिखाई देता जिसमें सनी देओल बड़े बड़े बालों में, हाथ में तलवार, काले कपड़े झब्बा टाइप के और चांडाल लिखा होता टाइटल, क्या आप ये फिल्म देखने जाते या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी। ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानी हमारे पास मौजूद है बॉलीवुड जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्से कहानियों से जुड़ना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।